सवाल उठ रहा है और सवाल ये कि क्या वैश्विक राजनीति में नए समीकरण बन रहे हैं। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि ब्रिक्स देशों से जो तस्वीरें निकल कर के आ रही है उनकी वजह से दुनिया के कई बड़े देशों में खलबली मची हुई है। दुनिया इन तस्वीरों को देखकर दंग है। यूरोप से अमेरिका तक खलबली मची है। ब्रिक्स में एक मंच पर तीन महारथी, वैश्विक राजनीति का सबसे नया समीकरण। हर तस्वीर का अपना अर्थ होता है। ब्रिक्स देशों की समिट से आई अब तक आपने कई तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन हम जो तस्वीरें और उसके पीछे की कहानी आपको दिखाने जा रहे हैं वो आपको भी चौंका सकती है, क्योंकि 16वें ब्रिक्स समिट में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की जो तस्वीरें आ रही हैं उन्हें देखकर दुनिया के बड़े बड़े देश सकते में हैं, क्योंकि ब्रिक्स देशों की बैठक के दौरान तीनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों की जो तस्वीरें आई हैं उनका भाव और कहानी दुनिया समझना चाहती है। ये तस्वीर भी उस वक्त सामने आई है जब कुछ ही घंटों पहले भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर नया समझौता हुआ है, और अब ब्रिक्स देशों के बीच डिनर के दौरान की तस्वीरों को भी समझिए। एक तरफ भारत और रूस पहले ही दोस्ती की नई पटकथा लिख रहे हैं, तो दूसरी तरफ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जिस तरह से पीएम मोदी से मुखातिब हो रहे हैं उसका असर पश्चिमी देशों तक पहुंचने लगा है, क्योंकि ये पहला मौका है जब तीनों देशों के नेताओं की इस तरह तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं कि वैश्विक राजनीति में एक बड़ा समीकरण आकार ले रहा है। एक बार फिर से नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से युद्ध के मसले को शांति से हल करने की बात कही है। ब्रिक्स देशों की बैठक के दौरान ये जो बातचीत हुई है, और आज सबसे बड़ी एक तस्वीर जो निकलकर सामने आने वाली है वो ये जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात संभव बताई जा रही है। तो रूस के कजान में एक बार फिर नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से युद्ध के मसले को शांति से हल करने की बात की है। आपको ये भी बता दें, ब्रिक्स देशों की बैठक के दौरान हुई इस बातचीत में एक बार फिर से साबित हुआ कि भारत के प्रधानमंत्री और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच रिश्तों की बुनियाद कितनी गहरी है। मोदी पुतिन की मुलाकात दुनिया में तहलका, अमेरिका तक पहुंची रूस भारत मुलाकात की धमक, युद्ध के बीच शांति की बात कई देशों को लगा आघात। रूस और भारत के बीच जब जब मुलाकात होती है तब तब दुनिया के देशों की नजर इस मुलाकात पर होती है। रूस के कजान में ब्रिक्स देशों की बैठक के दौरान भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां पीएम मोदी का न सिर्फ भव्य स्वागत किया गया बल्कि उनकी ऐसी अगवानी की गई कि दुनिया के कई देशों को इस मुलाकात की गर्मजोशी देखकर मिर्ची लग गई। इस स्वागत की तस्वीर उस वक्त और अहम हो गई जब खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत और रूस के रिश्तों की मजबूती का बेहद अनोखे अंदाज में जिक्र किया। द्विपक्षीय वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि भारत और रूस के बीच रिश्ते इतने गहरे हैं कि इन्हें समझने के लिए किसी अनुवाद की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री,
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जैसे ही ये बात कही, बैठक में मौजूद सभी प्रतिनिधियों का चेहरा खिल उठा। इस दौरान रूस के राष्ट्रपति ने भारत और रूस के बीच लगातार गहरे होते व्यापारिक संबंधों का भी जिक्र किया। визит в Москву и плодотворные переговоры с вами. Мы регулярно обмениваемся информацией по телефону. Признателен, что вы откликнулись на наше приглашение и лично приехали в Казань на саммит БРИКС. Сегодня мы вместе примем участие в церемонии открытия саммита, затем предстоит общение лидеров за ужином и таким образом... लेकिन इस बातचीत के दौरान जब माइक पीएम मोदी की तरफ था, तब हर किसी की नजर इस बात को लेकर थी कि आखिर पीएम मोदी इस अहम मुलाकात के दौरान क्या कहेंगे, क्योंकि इस वक्त दुनिया के कई देश युद्ध की वजह से नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। यही वजह है कि पीएम मोदी ने पुतिन के सामने एक बार फिर युद्ध के मोर्चे को शांति से निपटाने का जिक्र किया। एक्सेलेंसी, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के विषय पर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली का हम पूरी तरह समर्थन करते हैं। हमारे सभी प्रयास मानवता को प्रमुखता देते हैं। आने वाले समय में भी भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। 16वें ब्रिक्स समिट की थीम इस बार वैश्विक विकास और सुरक्षा रखी गई है। यही वजह है कि पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति के बीच जो भी डायलॉग हुआ, उसका भविष्य की ग्लोबल पॉलिटिक्स पर असर जरूर दिख सकता है, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दुनिया एक बेहद सख्त राजनेता के तौर पर जानती है। लेकिन जिस तरह से राष्ट्रपति पीएम मोदी की बातों और उनके विचारों को तवज्जो देते हैं, वो यही साबित करता है कि भारत और रूस के रिश्तों की नींव बेहद गहरी है।